हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो यूपी के जिस इलाके से मैं आता हूँ ना, वहाँ पे एक वर्ड है थेथर। वो बोला उन लोगों को जाता है जिसको जितना भी गाली दो, जितना भी मारो और जितना भी सुधारने का कोशिश करो, वो कभी नहीं सुधरते। वो अपना जो काम होता है ना, उसी तरीके से करते हैं, वही थेथर ही करते रहते हैं भाई। वही हो गया है भाई इस टाइम हालत EIFF और ISMAC का। उनको कुछ भी कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाई उनके ऊपर बात करके ना मैं अपना टाइम खर्च करना चाहता हूँ, ना ही अपनी ताकत लगाना चाहता हूँ भाई। आज हम लोग बात करेंगे भाई ISMAC के टॉप 3 रिप्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात होगी कि अब मेरे ख्याल से मात्र 1-2% चांस होगा कि इंडिया अब नेक्स्ट राउंड में जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है भाई। कतर को हराना बहुत मुश्किल है। तो भाई अब सीधी सी बात है, ISMAC जाने वाले और हम लोग को न्यू हेड कोच पूछना है। तो यहाँ पे मैं टॉप 3 ऐसे कोचेस का नाम लेके आया हूँ भाई, जो आराम से ISMAC को रिप्लेस कर सकते हैं और उनसे अच्छा वर्क कर सकते हैं। और जो आखिरी कोच है ना, वो तो इतने बड़े कोच है भाई, अगर वो आ गए ना इंडियन टीम में, तो पूरी इंडियन फुटबॉल टीम को क्या, इंडियन फुटबॉल सर्किट को भी सही कर सकते हैं। तो भाई आज हम लोग उन्हीं सभी कोचेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले कोच है आपके पिनावन कोए, जर्मन कोच है भाई आपके और 43 साल की कोच है। बुंडेसलीगा के 5th, 3rd और 2nd टाइम लीग में टीम्स को कोचेस करने का उनके पास एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ देखा जाए तो लास्ट टाइम वो तुर्की के असिस्टेंट कोच थे भाई, तो एक अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है ना कि इंडिया को जो जर्मनी की फिलोसफी है ना, या जर्मन कोचेस की फिलोसफी होती है, प्रेस हाई करना, काउंटर अटैकिंग गेम खेलना और कहीं के बाद थोड़ा पासिंग गेम भी खेलना, वो सबसे अच्छे से सूट करे। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई, इंडियन फुटबॉल टीम जब काउंटर अटैक पे खेलती है बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही फुल टू हम लोग स्पेनिश गेम खेलने उतरते हैं ना, पूरी पासिंग वाली, जैसे ही हम लोग का हर चीज़ ख़राब होने लगता है। तो मेरे ख्याल से जर्मन कोच सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। नेक्स्ट कोच है आपके रोडोल्फ अल्वारेरा, अर्जेंटीनियन कोच है भाई आपके और 48 साल के इन कोच हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भर भर के भाई। बोका जूनियर के कोच थे, बोका जूनियर मुझे बताने की जरूरत नहीं है अर्जेंटीना की कितनी बड़ी टीम है। उसके अलावा UAE कतार में उनके पास फर्स्ट टाइम लीग में टीम्स को कोच करने का एक्सपीरियंस है। इजिप्ट में देखा जाए तो उनको फर्स्ट टाइम लीग में कोच करने का एक्सपीरियंस है, पर अभी देखा जाए तो लास्ट टाइम वो UAE की नेशनल टीम की हेड कोच थे। तो उनके पास एशिया का भी देखा जाए तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये जो कि आपको पिछले कोच में नहीं मिला था एशिया का एक्सपीरियंस, वो चीज़ इनके पास अच्छा खासा है। इनकी प्रीफर्ड फॉर्मेशन देखा जाए तो 4-2-3-1 एक अटैकिंग माइंडेड कोच है, और अगर ये आएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है भाई। और अब आते हैं आपके नेक्स्ट कोच पे। नेक्स्ट कोच है आपके रूई विटोरिया, 54 ईयर ओल्ड पॉसिबल कोच है भाई, और इनको लाना बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा, लेकिन इनका एक्सपीरियंस देखिए भाई। बेनफिका को कोच करने का एक्सपीरियंस है इनके पास, अल नसर को कोच करने का एक्सपीरियंस है, रसिया के फर्स्ट टाइम लीग में कोच करने का एक्सपीरियंस है, पोर्चुगल के फर्स्ट टाइम लीग के और भी क्लब्स को भी कोच करने का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा देखा जाए तो कोचिंग एक्सपीरियंस है। और लास्ट टाइम ये इजिप्ट की जो नेशनल टीम है उसके हेड कोच थे, वहाँ पर भी देखा जाए तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी इनकी टीम। 18 मैचेस में 12 मैचेस वो जीते थे, 4 ड्रॉ किया और सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं। 4-3-3 इनकी प्रीफर्ड फॉर्मेशन है, बहुत ही अटैकिंग गेम खेलते हैं, और ये अगर आएंगे तो इंडियन फुटबॉल के लिए सबसे अच्छा वर्क कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो देखते हैं भाई हम लोग की EIFF क्या डिसीजन लेती है और कितना जल्दी ISMAC को सैक करती है और कितना जल्दी हम लोग का न्यू हेड कोच आता है। तो भाई ये थे मेरे तरफ से टॉप 3 ऐसे कोचेस जो भाई आपके ISMAC को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। आप हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइए भाई कि आप कौन से कोच को चाहते हैं कि वो इंडियन टीम का हेड कोच बने, साथ ही साथ अपने सजेशंस भी देना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।